बताएं सर अपने बारे में, अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ करें पहले। मेरा नाम प्रमोद सामंत है, ढाई साल पहले मैं यहाँ पे नगर सेवक करके बाय इलेक्शन में चुन के आया। वार्ड का नाम बताएं। वार्ड नंबर हमारा 68 वार्ड में अभी गया, जिससे आप चुन के आए। हाँ, कांग्रेस की तरफ से। अभी क्या हो गया वो भी बताएं। लड़ाई लड़ा है और अभी 39 हो गया। मुजफ्फर साहब के आशीर्वाद से हम यहाँ पे काम करते हैं, उनकी छाया में यहाँ पे सेवा का लोगों की सेवा करते हैं। तो इस कार्यकाल में आपने क्या प्रमुख कार्य हैं जो किए हैं, जो जिनके वजह से ऐसे देखने जाएगा तो बहुत से काम हो गए जो 15-20 साल में यहाँ पे नहीं हुए थे, वो काम यहाँ पे हो गए। पीछे हमारा लगभग 3 से 4 एकड़ का आरजी है, वो 20 साल से एक डंपिंग ग्राउंड करके पड़ा था, वो सिर्फ 2.5 साल के कार्यकाल में हमने पूरा किया। आप चाहो तो उसका एक ट्वीट कर सकते हैं जी। अभी क्या मुद्दे हैं सर आपके चुनाव में, क्या क्या मुद्दे हैं जिस पर पब्लिक अट्रैक्ट हो रही है? वैसे मीरा रोड शांतिनगर में ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष ने जो मुद्दा चलाया वो जातिवाद का, भाषावाद का मुद्दा चलाया है और उसको मात देना हमारा बड़ा क्या दायित्व कर्तव्य जो है लोगों को फिर से दिखाने का है कि मीरा रोड में कोई भी कम्युनल बातें अगर कोई करता है तो उसको मीरा भाईंदर में कोई भी नहीं चाहेगा। क्या कितने टोटल वोट हैं आपके प्रभाव में? 17,500 वोट है। 17,500। और क्या जाति समीकरण यहाँ पर बैठ रहा है? जाति समीकरण पे हम लोग नहीं जा रहे। रिजर्वेशन एस सी एस टी कितना है? ओपन है एस सी एस टी यहाँ पे नहीं, वार्ड भी ओपन है हमारा। गुजराती भाषी बहुसंख्या है, लेकिन उतने देखे जाए फिर उत्तर भारतीय है, महाराष्ट्र मराठी भाषी है, साउथ इंडियन है, इनका भी उतना ही। उत्तर भारतीय, उत्तर भारतीय कितने हैं? 17-18% उत्तर भारतीय, 17-18% है। हाँ, और 1% आपका महाराष्ट्र से, 1% महाराष्ट्र से, 17-18% साउथ इंडियन है, 24-25% गुजराती है। ओके ओके, इंग्लिश में बात करें। हाँ सर, हाउ मच कॉन्फिडेंट आर यू? डेफिनेटली मैं जीतूंगा, 100% हम जीतेंगे। कांग्रेस की यहाँ पे एक भी सीट कम नहीं होगी, जबकि बीजेपी की एक सीट इधर हमारे भाग में है वो भी चले जाएगी। बीजेपी या शिवसेना को कोई सीट नहीं आएगी। आपकी आपकी कितनी अभी सीटें हैं एग्जिस्टिंग? प्रभाग 4 में हमारे 18 सीटों में से 16 सीट पे कांग्रेस थी, इस बार पूरी लगभग 24 सीटें हो गई है, 24 से 24 सीटें कांग्रेस के यहाँ से आएगी। और मीरा भाईंदर में हम लोग ने अनुमान जो लगाया है 51 से 52 सीटों पर कांग्रेस की जीत आएगी। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि आपके MLA कॉर्पोरेटर्स इसलिए काम कर पाए क्योंकि आप पावर में रहे हैं? हमारे कॉर्पोरेटर हमारे मुजफ्फर हुसैन साहब जो है उनके क्षेत्र में काम करते हैं, उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं और ये करते उन लोग वो तो कर्तव्य पुरुष है। यहाँ पे जो जो डेवलपमेंट आप देखते हैं मीरा रोड में, जो लोग इकट्ठा जो सब लोग है, बाजू में मुस्लिम समाज है, यहाँ पर हिंदू समाज है, वो एक साथ इसलिए है कि मुजफ्फर साहब यहाँ पे उनकी दूरदृष्टि, उनका काम करने का एक अलग तरीका है। इसलिए क्या नई चीज़ ओवरऑल अगर मैं आपके वार्ड से बाहर निकल के देखूँ तो इस इलेक्शन में चीज आ रही है सामने जो पहले नहीं थी? मैंने बताया ना, इस इलेक्शन में एक ही चीज यहाँ पे नहीं दिख रही है, कास्टिज्म, कम्युनल बातें हो जाती है। हर 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 नए जो विपक्ष वाले हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो अच्छा, विकास का मुद्दा तो सभी उठा रहे हैं, गिलबर्ट सेठ भी विकास का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या किया उन्होंने? उन्होंने 2.5 साल, उनको भी 2.5 साल हो गया आमदार बन के, उन्होंने विकास के लिए क्या बातें की हमको बता दीजिए। वो तो देखिए सब अपने लिस्ट, अभी इलेक्शन आया है तो विकास के लिए बोलेंगे, लेकिन क्या किया है वो तो बता दीजिए। एक पुलिस स्टेशन का प्लॉट था वो बेच दिए, वो स्विमिंग पूल ड्रामा थिएटर का रिजर्वेशन था वो बिल्डर को देने को इन लोग ने ठहराव लाया, और नरेंद्र मेहता ने स्विमिंग पूल का रिजर्वेशन था उसका लास्ट महासभा में ठहराव लाया, इन लोग ने यही काम किया है। 2.5 साल पहले 2.5 साल पावर में रहे तभी कुछ नहीं जमा, पावर से चला जाना पड़ा, मेरे इलेक्शन लड़े उसमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मीरा भाईंदर नो डाउट पिछले 5 साल में काफ़ी डेवलप हुआ है और पूरा एक मीरा रोड के प्रति, मीरा रोड से बाहर के जो लोग थे उनकी दृष्टि बदल गई है। राइट, फॉर एग्जाम्पल पहले बोलते थे कि कहाँ रहते हो? मीरा रोड में। अच्छा, मीरा रोड में रहते हो। अभी वो लोग कहाँ रहते हो? मीरा रोड में। अच्छा, मीरा रोड में रहते हो। ऐसा होता है तो ये बहुत ये सब हुआ क्योंकि मुजफ्फर हुसैन साहब ने यहाँ पे लीड किया, इसलिए हुआ। आज लोग बोलते हैं हम पानी लाएंगे, 100 मिनट पानी कहाँ गया? मेरे को इन लोगों से पूछने का है, इतने दिन में, इतने सालों में, मैं 26 साल से मीरा रोड रहता हूँ, 14 साल की उम्र से मैं यहाँ पे रहता हूँ, 14 साल में 26 साल में
कौन सी पार्टी ने यहाँ पे पानी लाया बताने का। मैं जब यहाँ पे आया था तो 5 MLD पानी था, आज इधर 135 MLD पानी आया। 135 MLD पानी लाने में मुजफ्फर हुसैन साहब का हाथ है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कभी पानी लाया? अभी 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 और ये विकास की धारा आपकी और आगे बढ़ती रहे, इसके लिए क्या क्या प्लानिंग आपकी है? बस ये फिलहाल तो टारगेट यही है कि मेरा बाइंदर पे क्लियर मेजोरिटी कांग्रेस का आना चाहिए और यहाँ पे सभी जो बेसिकली शांतिनगर पट्टा है वहाँ पे सभी सीटों पे हमारा वर्चस्व रहेगा। नयानगर में तो भाई साथ में इसी ये सब ये पूरे पट्टे में हमारा वर्चस्व रहेगा, बाकी जगह पे साहब और साहब की टीम हमारे काम कर रही है। चलिए, थैंक यू।